फायजा देखो आज हमने कितनी सारी शॉपिंग की है तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए, और ये कपड़े जो है ना ये किन्जा ने खास तौर से लिए, अच्छे हैं ना? हाँ अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है काफी बड़ा है। वैसे थैंक यू किंजा। थैंक यू की क्या जरूरत, मैंने तुम्हारे थोड़ी अपने बच्चे के लिए लिए। फायजा जानती हूँ इतनी मैं हमेशा शॉपिंग करती हूँ, लेकिन आज जो मुझे मजा आया ना शॉपिंग करने में, इससे पहले कभी नहीं आया। और ये देखो ये कैसा है, ये देखो जारा, तुम किसी चीज में दिलचस्पी नहीं ले रही, क्या बात है? चाची आप मैरिड लोगों की बातें हैं, मुझे इसमें क्या इंटरेस्ट? जारा तुम जाकर नुमान से क्यों नहीं बात करती हो, वो भी अकेला बैठा बोर हो रहा होगा ना। नाउ दैट्स अ गुड आइडिया। In fact, मैं अपने और नुमान के लिए जाके कॉफी भी बनाती हूँ, उसको मेरे हाथ की कॉफी एक्चुअली बहुत पसंद है। क्यों, हम लोग तुम्हारे कुछ नहीं लगते, इतना स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ नुमान के लिए क्यों? क्यों नहीं, अगर आप लोगों ने पीनी है तो मैं आप लोगों के लिए भी कॉफी बना देती हूँ। हाँ भाई हम सबके लिए भी बना लो, तुम्हारे हाथ की कॉफी तो बहुत ही अच्छी होती है। और फायजा तो थैंक यू, मुझे नहीं पीनी। अरे नहीं फायजा, तुम इसके हाथ की कॉफी तो पियो, एक दफा पियोगी ना इसकी दीवानी हो जाओगी। जारा ने जिसको दीवाना करना है ना उसी को कॉफी बनाकर पिलाए, मुझे इसका दीवाना होने का कोई शौक नहीं। Well, sure. अच्छा मम्मा मैं अपने रूम में जा रही हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, यहाँ बैठो मेरे पास, बस सारा वक्त कमरे में बंद पड़ी रहती हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है।